अस्सलाम वालेकुम। मार्केट की क्या सिचुएशन है? क्या क्रिप्टो करेंसी को पाकिस्तान में लीगलाइज करने की जो कोशिश है, क्या हो सकती है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो इस तरह की कुछ न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। फेयर ट्रेड इंडेक्स के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा कि क्या सिचुएशन है। एक और चीज़ की क्या मार्केट की क्या सिचुएशन है? क्या पाकिस्तान भी इसको लीगलाइज कर रहा है कि नहीं, डिपेंड करेगा वक्त के साथ साथ। ये कुछ न्यूज आप लोगों के सामने शेयर। अगेन मैं यही कह रहा हूँ कि हर टाइम जब मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ तो मैं इसको कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके आप किसी खास प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, नहीं। बल्कि मैं अगेन यही कहता हूँ कि मार्केट के सिचुएशन को, एग्जिस्टेंस जो सिचुएशन है उसको देख के मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, उसका एनालिसिस करके प्रिडिक्शन के बारे में बता देता हूँ मार्केट की क्या सिचुएशन होगी। बीटीसी की बात करें तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ बीटीसी पे, तो ये पिछले 1 वीक का तकरीबन, हाँ 1 वीक का ग्राफ है। तो पिछले 1 वीक से मार्केट बिटकॉइन की जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ नहीं है। अगर 1 वीक की ग्राफ को हम मद्देनजर रखें तो यहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म का पंप नजर नहीं आ रहा कि मार्केट पुराने दिन को ऊपर गई थी या कुछ कुछ खास न्यूज नहीं है बिटकॉइन के बारे में। ये भी आप देख सकते हैं कि पिछले 1 वीक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो तकरीबन 1 वीक से ज्यादा में ये डंप कर रही है, पंप करने की कोई वो नजर नहीं आ रहा। कोई भी ऐसा कुछ खास इंडिकेटर्स नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ चल जाए। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट में न्यूज आ जाती है, आप इसकी जगह अगर आप मूविंग एवरेज को देख ले, तो ग्राफ को अगर आप देख ले, तो एंगल को भी देख ले, काफी बहुत बड़ा एंगल के नजर आ रहा है कि हाँ ये अब आने वाले वीक में भी सेम सिचुएशन होगा। ये भी क्वेश्चन है कि क्या बिटकॉइन का जो सिचुएशन है, क्या लोना का हो सकता है? क्या जो लोना की सिचुएशन है या बिटकॉइन की हो सकती है? बिटकॉइन का सिचुएशन लोना का नहीं, लोना का सिचुएशन बिटकॉइन का हो सकता है कि नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इस पे तो अलग वीडियोस बनानी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि ट्वीट की गई है उसके बारे में आपको बता दूं। फेयर ग्रेड इंडेक्स के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा इंडिकेटर्स और टेक्निकल एनालिसिस में पसंद है वो ये फेयर ग्रेड इंडेक्स है। ये 2 दिन पहले 10 पे था। अब थोड़ा बहुत ओवरऑल मार्केट की जब ये सर्वे करके डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस बेस पे जब ये अपने रिजल्ट तक पहुंचते तो ये तकरीबन 2% ऊपर गया है। स्टिल इतना ज्यादा नहीं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर जब भी आप फेयर ग्रेड इंडेक्स के मद्देनजर रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 पे इन्वेस्टमेंट किया है, 10% पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि जब ग्राफ का जो इंडिकेटर्स था जो 10 पे था, तो आपको इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी ये भी डिसाइड करना होगा कि किस किस जगह पर मुझे निकलना चाहिए। निकलने के बारे में मैं आपको बता दूं, अगर 60 तक पहुंच गया तो आपको निकलना चाहिए। आपने ये वेट नहीं करना होगा कि चले इसको अगर इससे भी ज्यादा चला जाए, इससे भी अच्छा हो जाए, तो इस चीज का आप इंतजार नहीं करेंगे, वरना लॉस ही आपका होगा। अच्छा, ट्वीट्स के बारे में आ जाए तो ये प्रेसिडेंट चुंगे ने बकेले अनाउंसमेंट दी कि जिन्होंने 44 कंट्रीज जो कि उनसे मीटिंग की है, जिसमें डिफरेंट बैंक्स, जिसमें एक पाकिस्तान का भी, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शामिल है, उनके उनके साथ मिलकर ये वाहिद ही मुल्क था कि जिन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन को या क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज किया। इससे पहले इनकी अगर आपको मैं ट्वीट दिखा सकूं तो यहाँ पे आप, मैं एक चीज आपको बता दूं कि वाहिद वही कंट्री थी जिन्होंने सबसे पहले इसको लीगलाइज किया था। बैंकिंग और अनबैंक के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि इस कंट्री में इससे पहले जब भी कोई खरीदो फरोख्त होती थी या कोई भी डीलिंग होती थी, तो ये फिजिकली वहां पे जाके पैसे देते थे। मतलब जो जो भी डीलिंग थी आप उसी करेंसी में, किसी भी डिजिटल करेंसी की जो डीलिंग थी वहां पे नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई चीज परचेस करना चाहते थे तो आपने उसको नोट्स देने होंगे, डॉलर्स देने होंगे, कोई भी आप इस तरह नहीं कर सकते थे कि आप उसको कह के चले मुझे ये चीज दे दे और मैं आपको इसके बदले में इतने बिटकॉइन या इथीरियम या ये ब्ला 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 फलाना चीज आपको दे दूंगा। डिपेंड करता है कि उस चीज की प्राइस क्या है। तो इस तरह तो नहीं थी। तो जैसे ही इन्होंने इन्होंने सबसे पहले इसको लीगलाइज किया, तो जैसे ही लीगलाइज किया तो इनकी जो जो जो
खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला था वो सारा ही बिटकॉइंस और इथीरियम्स और क्रिप्टो करेंसी में हुआ। तो अब जितनी भी तकरीबन मेरे ख्याल से 65 to 70% इनकी जितनी भी खरीदो फरोख्त होती है तो वो क्रिप्टो करेंसी में होती है। तो क्या पाकिस्तान भी इसको लीगलाइज करेगा, ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इनकी तरफ से जो जो उन्होंने एक मीटिंग की है, अब यहाँ से ये बैठ के पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के साथ के क्या हम इस चीज पे जा सकते हैं, अगर जाएंगे तो क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बैंकिंग को क्या मसला हो सकता है। अब चूंकि आप अगर बाइनेंस में या किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप अपने अपने लिए बिटकॉइंस या इथीरियम्स या आप उसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं डॉलर्स को, तो क्या हमारी बैंक्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो वहां पे ट्रांसफर करे आपके पाकिस्तानी रुपीस को कन्वर्ट करके वहाँ पे US डॉलर में कन्वर्ट करके डाल सकते कि नहीं। तो ये भी डिपेंड करता है बैंकिंग की जो जो सिचुएशन है उसको देखेंगे, और जो उसकी जो जो एनवायरनमेंट है उसको भी मद्देनजर रखते हुए फैसला होगा। एक और चीज़, क्या पाकिस्तान में जब भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, तो अगर ये बैंकिंग की चले अगर ये लीगलाइज हो भी गया है तो क्या पाकिस्तानी रुपीज में आप ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं? अगेन इसी तरह आप अपने पाकिस्तानी को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और उसमें ट्रेड करेंगे? मुझे पर्सनली लग रहा है कि अगर पाकिस्तानी में हो तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा है और आसानी भी बहुत ज्यादा होगी, आपको किसी भी किस्म की मतलब पाकिस्तानी को डॉलर में कन्वर्ट करना और ये सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। अगेन ये बात हो गई कि मार्केट की क्या सिचुएशन है, मार्केट पिछले बिटकॉइन की प्राइस। अच्छा, बिटकॉइन के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये फ्लक्चुएशन शो करेगा दो डोमेन के अंदर, मतलब ये 20,000 से लेकर 40,000 के दरमियान अपनी फ्लक्चुएशन शो कर सकता है अकॉर्डिंग टू जो ग्राफ है या इंडिकेटर्स है या जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको मद्देनजर रखते हुए। ये 40 से ऊपर मैं अपनी राय दे रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं जा सकता। हाँ, अगर मार्केट में किसी ने एंट्री ली है ऐसी किसी भी बड़े कंट्रीज ने, या फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी कंट्रीज है अगर ये इनकी जो प्रपोजल है जो लीगलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी है इसको लीगल कर लेती है, तो क्या मार्केट की फिर भी यही सिचुएशन होगी कि ये अपने 20 और 40,000 के दरमियान फ्लक्चुएशन शो करेगा तो हर किसी नहीं? शायद मार्केट 40 से भी ऊपर चले जाए, 80 तक पहुंच जाए, 70 तक पहुंच जाए, कुछ भी नहीं कह सकती। जब तक ये न्यूज है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ, जब तक फैसला होगा तो उस वक्त तक मार्केट की यह सिचुएशन है कि वो अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ये 20,000 से लेकर 40,000 के दरमियान फ्लक्चुएशन शो करेगा। पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, जो उनकी तरफ से जो जो मीटिंग हुई है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भी इसमें शामिल है। डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट तकरीबन 32 बैंक्स है और 44 कंट्रीज है, तो डिपेंड करेगा कि क्या पाकिस्तान भी इसको लीगल करेगा। अब उनकी तरफ से जो जो मीटिंग हुई है क्या पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स इस पे होगा तो वो तो डिपेंड करेगा। अगर मार्केट में जैसे मैंने पहले ही बात की कि मार्केट 20 और 40 के दरमियान अपनी फ्लक्चुएशन शो करेगा, अगर बैक इन पे कोई बड़ा इन्वेस्टर्स या कोई बड़ी कंट्री या दो तीन कंट्रीज एंट्री ले लेती है क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने में, तो फिर मार्केट की सिचुएशन ये नहीं रहेगी। फेयरग्रेड इंडेक्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि आप अच्छा है, अब जो स्ट्रेटेजी मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। मैं यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता हूँ कि अगर हर एक वीक में थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे ही वो थोड़ा ऊपर चला जाता है तो मैं विड्रॉ करूंगा। यही स्ट्रेटेजी के बारे में मैं थोड़ा बहुत सोच रहा हूँ। यही थी अपडेट्स लीगलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी के, क्या पाकिस्तान भी इसको लीगल करेगा। वक्त के साथ ही पता चलेगा बिटकॉइन की प्राइस क्या 20 और 40 के दरमियान में आने वाले साल तक, या अब जो सिचुएशन है कि साल तक बिटकॉइन की प्राइस 20 और 40 के दरमियान फ्लक्चुएशन शो करेगी। लेकिन यहाँ पे भी बहुत से लोग अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, बेशक अगर आप ये देखें ना, अगर यहाँ पे अब आप इसकी अगर लोएस्ट प्राइस को देख ले तो 23 थी, अभी जो चल रहा है वो 29 पे चल रहा है, लेकिन स्टिल मार्केट अपने नई कैंडल्स को पॉजिटिव की तरफ नहीं लेके गया है। वही कैंडल्स अगर डाउन आ जाती तो अपने आप को कोशिश करती है कि ऊपर की तरफ ले जाए, लेकिन वहां से जब न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाती है तो वो स्टिल डाउन
होती है। तो ये चीजें डिपेंड करेगा कि वक्त के साथ गवर्नमेंट्स क्या फैसले करते हैं और क्या आप लोगों को उनकी तरफ से जो प्रपोजल आया है या जो मीटिंग हुई है उस पर क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो वक्त के साथ साथ आप लोगों को अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।